सभी को नमस्कार, प्रणाम। साथियों, आज मेरा मूड ये हो रहा था आपको एक दो कविताएं सुनाएं। समस्या पूर्ति नहीं सुना रहा हूँ, हास्य की नहीं सुना रहा हूँ, लगभग 48 साल पुराने दो छंद लेकर आया हूँ। एक छंद होता है कुंडली छंद। बहुत लोगों ने गिरधर की कुंडलियाँ पढ़ी होंगी। कुंडली छंद की विशेषता ये है, सांप को देखा ना, वो कुंडली मार के बैठता है। कुंडली का मतलब उसके वो चीज़ बार बार फिर वहीं आती है। कुछ दिन पहले फेसबुक में कई लोगों ने, मिथिलेश मैडम ने, रावत सर ने, कई कुंडलियाँ उसमें अपनी लिखी, बहुत अच्छी थी। मैंने कभी, शायद 11वें या 12वें का विद्यार्थी रहा होऊंगा, उस समय मैंने दो कुंडलियाँ लिखी थी। और पहली कुंडली जो थी वो उस समय के खराब बिगड़े हुए विद्यार्थियों की थी, जो पढ़ते लिखते नहीं थे, जिनके लिए पिताजी परेशान रहते थे। और दूसरी कुंडली मैंने लिखी थी उस जमाने की मॉडर्न लेडी, नए। देखें आप, पहली कुंडली, कुंडली की विशेषता होती है पहले एक दोहा होता है और दोहे का चौथा चरण फिर लौटता है। जैसे आप पढ़ा होगा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनों जग में होत हंसाए। यहाँ खत्म हुआ, फिर लौट रहा है, जग में होत हंसाए चित्त में चैन। और विशेषता है, जहाँ से कुंडली शुरू होती है समाप्त भी वही होती है। ध्यान देंगे, हमारी पहली कुंडली सातों पीढ़ी तार दें। ध्यान दीजिएगा, सातों पीढ़ी से शुरू हुई है बात, लड़कों के लिए है, बिगड़े हुए लड़कों के लिए है। सातों पीढ़ी तार दे, सुंदर सुत है सोए, और कलयुग के यही काल माँ पिता रहे हैं रोए। पिता रहे हैं रोए, करते क्या लड़के, पिता रहे हैं रोए, दनादन पेंच लड़ावें। पतंग उड़ाया करते थे उस समय गर्मी के दिन, हुआ क्या, सातों पीढ़ी तार दें, सुंदर सुत हैं सोए, कलयुग के यही काल माँ पिता रहे हैं रोए, पिता रहे हैं रोए, दनादन पेंच लड़ावें, दिन भर घूमें मस्त न घर माँ खाना खाएं, प्यास लगे तो पीवें बेटा जी भर बीड़ी। फिर लौटती है, अब ऐसे पूत सपूत तार दें सातों पीढ़ी। सातों पीढ़ी शुरू हुई, सातों पीढ़ी में खत्म हुई। अगली कविता पतिव्रता स्त्री के लिए मैंने बनाई थी, मॉडर्न लेडी, जिनको हम पतिव्रता कैसे कहें, आप सुन लीजिए। पतिव्रता कौन है? अपना परी रहें खटिया पर, मर्द बनावे चाय। अपना परी रहें खटिया पर, मर्द बनावे चाय, और पतिव्रता वो नारी जो पति से पहले खाए, पति से पहले खाए सांच को झूठ बतावे, और मुट्ठी में कर कैद एक की साथ सुनावे, कहे मिश्रा कविराय सफल हुई गे सब सपना। शुरुआत, और पति जी सोवे भूमि परी खटिया पर अपना। ये दोनों छंद थे, आपको कैसे लगे बताइएगा। आज फिर मिलेंगे एक बार, शुभम मंगलम, और मेरी कविता यहीं पर समाप्त होती है कुंडली छंद के साथ।